हाय गाइस, गेमिंग बाय जी में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यदि गाइस आप हैं क्रिकेट गेम के लवर तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टॉप 5 क्रिकेट गेम जो हैं ग्राफिक वाइज बहुत ही बढ़िया। इसके लिए आपको देखनी होगी पूरी वीडियो, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर आपको मिलेगा एक लाल रंग का बटन, उसको दबा कर लें सब्सक्राइब और साथ में दबा दें घंटे के बटन को भी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, जैसे ही आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में क्रिकेट गेम लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर आजकल बहुत सारे क्रिकेट गेम मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के प्रोफाइल तो बहुत ही लाजवाब होते हैं, लेकिन जैसे ही हम गेम को इंस्टॉल कर कर खेलते हैं तो उसके ग्राफिक्स बिल्कुल ही बेकार मिलते हैं, खेलने में कोई मज़ा नहीं आता। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए गाइज आज मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा टॉप 5 क्रिकेट गेम। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में दबा घंटे के बटन को, और साथ में देखें आज की पूरी वीडियो, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पांचवें नंबर पर आता है क्रिकेट मैन ऑफ मैच। गाइज, इस गेम में आप अपना प्रोफाइल बनाकर खेल सकते हैं, यानी कि आपको अपना फेवरेट प्लेयर सेलेक्ट करना होगा और उसी के प्लेयर के द्वारा आप पूरा गेम खेल सकते हैं। इस गेम में आप लोगों को तीन मोड मिलेंगे। पहला मोड है क्विक मैच, दूसरा मोड है लीग कप और तीसरा मोड है क्रिकेट वर्ल्ड कप। हालांकि इसमें आपको लीग कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉक्ड स्टेज में मिलेंगे, जिसको आपको अनलॉक्ड करना होगा। ग्राफिक्स की बात करें तो गेम के ग्राफिक्स ठीक ठाक ही हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन एज कम्पेरिजन टू अदर बेकार गेम जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उनसे बढ़िया है। ये गेम उन फोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है जिसमें रैम कम होती है, यानी कि जिसके पास ऐसे मोबाइल हैं जिसकी रैम कम है, तो उस यूजर्स के लिए ये गेम बहुत ही बढ़िया है। चौथे नंबर पर आता है एपिक क्रिकेट। तो गाइस बात करें एपिक क्रिकेट की, तो इसमें आपको खेलने के लिए मिल जाते हैं चार मोड। जो पहले नंबर पर आता हुआ है क्विक मैच, इसमें आपको कोई भी रैंडमली मैच खेल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है टूर्नामेंट, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट खेलने को मिल जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है टेस्ट मैच, यानी आप इसमें टेस्ट मैच खेल सकते हैं। जो चौथे नंबर पर आता है वो है लाइव इवेंट, यानी जो लाइव क्रिकेट मैच चल रहे हैं आप उनको साथ में खेल सकते हैं। बात करें गेम की ग्राफिक्स की, तो गेम के ग्राफिक्स बढ़िया हैं, खेलने में बहुत ही मजा आता है, एक शानदार एक्सपीरियंस आप लोगों को खेलते टाइम मिलेगा। बात करें इसकी कमियों की, तो इसमें एक थर्ड अंपायर का रोल बहुत ही कम है, इसके ना के ही बराबर है। इसके अलावा जो कमेंट्री है गेम की वो भी बहुत ही बेकार है, थर्ड क्लास की है। बाकी गेम के ग्राफिक्स बढ़िया है, खेलने में बहुत मजा आएगा, आप इस गेम को अपने मोबाइल में खेल सकते हैं। नंबर पर आता है आईसीसी प्रो क्रिकेट। आईसीसी प्रो क्रिकेट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कंपनी ने इस गेम को बनाया उसने आईसीसी से गेम को बनाने के लिए कॉपीराइट खरीद रखे हैं, यानी इस गेम में आपको मिलेंगे रियल क्रिकेटर नेम और हू प्रत्येक देश से मिलती हुई उनकी क्रिकेटिंग ड्रेस। इसके अलावा बात करें गेमिंग मोड की, तो इसमें आपको मिलने वाले हैं चार गेमिंग मोड। जो पहला है वो है मल्टीप्लेयर मोड, इसमें आप ऑनलाइन यूजर्स के साथ गेम खेल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा क्विक मैच, तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा वर्ल्ड टूर और चौथे नंबर पर आपको मिलने है वर्ल्ड कप। हालांकि वर्ल्ड टूर और वर्ल्ड कप आपको मिलेंगे लॉक्ड सिचुएशन में, आपको करना होगा इनको अनलॉक्ड। बात करें गेम की ग्राफिक्स की, तो गेम के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है, खेलने में बहुत ही मजा आता है। एलजी रिलायंस आदि का इसमें आपको लोगो दिखेगा जो कि इसके पार्टनर है। इसके अलावा बात करी जाए कमेंट्री की, तो कमेंट्री भी आपको ओके ओके मिल जाती है। यह कमेंट्री आपको मिलती है भारत के पूर्व क्रिकेटर एस श्रीकांत के आवाज में। कमेंट्री आपको केवल इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन गेम को खेलने का एक्सपीरियंस वो बहुत ही शानदार है। पर्सनली ये गेम मेरा फेवरेट है। इसके अलावा बात करें इसकी कमी की, तो इसमें एक कमी है, इसमें थर्ड अंपायर का यूज बहुत ही कम होता है। इसके अलावा इसमें डीआरएस वगैरह का कोई सिस्टम अब तक नहीं दिया गया है। दूसरे नंबर पर आता है सचिन सागा क्रिकेट। तो गाइस बात करें सचिन सागा क्रिकेट की, तो ये गेम बेस्ड है श्री सचिन तेंदुलकर जी पे, जो हैं क्रिकेट के भगवान। इस गेम में आपको खेलने को मिलेगी उनके 20 साल के क्रिकेटिंग करियर में उनके द्वारा खेली गई शानदार पारियां, जिसको खेलकर आप उनकी यादों को दोबारा ताज़ा कर सकते हैं तथा प्राउड फील कर सकते हैं। बात करें गेम के ग्राफिक्स की, तो गेम के ग्राफिक्स अब तक के आए सभी गेमों के में से बेस्ट हैं। कमेंट्री की बात करें, तो कमेंट्री ग्राफिक्स के हिसाब से देखें जितने बढ़िया ग्राफिक्स हैं तो उतनी बढ़िया कमेंट्री हमको इसमें नहीं मिलती है। बात करें कि इसकी छोटी मोटी कमियों को छोड़कर, तो इस गेम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमी मौजूद है। ये गेम है ऑनलाइन, यानी जब तक आपके फ़ोन में इंटरनेट है तभी तक आप इस गेम को खेल पाएंगे, ऑफलाइन आप इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि गेम नया, तो आने वाले समय में अपडेट के द्वारा हमको इसका ऑफलाइन मोड मिल जाएगा। हालाँकि
आप सचिन तेंदुलकर के फैन हैं जो कि पूरा हिंदुस्तान है, तो ये गेम हमारे हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण गेम है। मैं इसको खूब खेलता हूँ, बहुत ही मज़ा आता है, गेम के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है, गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ है, तो खेलने में बहुत ही मज़ा आता है और एक शानदार और प्राउडली एक्सपीरियंस फील होता है इस गेम को खेलने के बाद। तो आप इस गेम को ज़रूर खेलें एक बार। पहले नंबर पर आता है WCC 2। तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि WCC 2 ऐसा पहला मोबाइल क्रिकेट गेम था जिसमें हम लोगों को बहुत ही शानदार ग्राफिक्स मिले थे। बात करें इस गेम के गेम प्लेइंग मोड की, तो इस गेम में आपको बहुत सारे गेम प्लेइंग मोड मिल जाते हैं, चाहे वो 2020 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट क्रिकेट। आप लोगों को इसमें बहुत ही शानदार मज़ा मिलने वाला है और शानदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बात करें गेम के ग्राफिक्स की, तो गेम के ग्राफिक्स बहुत ही शानदार हैं। अब तक के जितने भी क्रिकेट गेम आए हैं उनमें से सबसे बेस्ट गेम ग्राफिक्स इस गेम में है। गेम प्ले बहुत ही स्मूथली है, बिल्कुल लिक्विड फ्लो चलता है। बात करें कमियों की, तो गेम में जो कमियां थी जैसे कमेंट्री वगैरह में कमियां थी, वो आने वाले समय में जो अपडेट आएगी अभी कुछ ही दिनों में आने वाली उससे पूरी हो सकती है, तो कमियों के बाद हम बात में करेंगे अपडेट आने के बाद। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 गेम। आप लोगों को कौन सा गेम पसंद आया ये आप कॉमेंट में लिख के बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कीजिए लाइक, साथ में कीजिए दोस्तों के साथ शेयर, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर कर लें चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दबा दें घंटे के बटन को। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ कुछ समय के बाद, तब तक के लिए बाय।